नमस्कार दोस्तों, मैं राजन शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में। कैसे आप इसमें इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इस योजना के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है और इसको अप्लाई करने में कितना टाइम लगता है और कब आपको इसको बेनिफिट मिलता है, इन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज समाज में जात पात के भेदभाव को कम करने के लिए सरकार और बहुत सी संस्था काम कर रही है जिससे समाज के इस भेदभाव को कम किया जा सके। और हरियाणा सरकार द्वारा इसी की ओर कदम उठाते हुए हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत जो भी किसी अन्य जाति में विवाह करता है उसे सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि दंपति के नाम FD के रूप में दी जाएगी। इस प्रोत्साहन राशि को विवाह के 3 साल बाद निकाला जा सकेगा। और आप इस राशि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या पात्रता है और कागजात कौन कौन से चाहिए और किस प्रकार से आवेदन इसके लिए आपने करना होगा। हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना क्या है? हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना 2021 के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये योजना जात पात के भेदभाव को खत्म करने के लिए और आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए अंतरजातीय विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि शुरू करके की गई है। इस योजना का लाभ महाराष्ट्र के केवल वे जोड़े जिन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष अधिनियम 1954 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया है और महाराष्ट्र इंटरकास्ट मैरिज स्कीम 2020 के तहत लाभार्थी को जोड़े जाने वाली धनराशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता है, हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना में मिलने वाली राशि प्राप्त करने के लिए युवक और युवती की उम्र 21 और 18 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2020 का हिस्सा बनने वाले विवाहित जोड़े में से किसी भी एक का अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखना अनिवार्य है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े को कोर्ट मैरिज करना अनिवार्य है। इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति किसी पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग के युवक या युवती से विवाह करता है तो उसे तो केवल वे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा अंतरजातीय विवाह जरूरी कागजात इसके लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक और जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा 2020 में इसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस होम पेज पर आपको अंतरजातीय विवाह योजना का ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा आपका। इस फॉर्म में आपकी पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, विवाह की तारीख और आधार नंबर आदि आपको भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।